नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों की। इस समय किसानों की बात करें तो अपनी उपज बेचने के लिए लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। और क्या उपज का सही दाम मिल पा रहा है, किसान संतुष्ट है क्या, ये हम जानने आज निकले हैं। और अभी हम बात करें भोपाल की, तो आप जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ट्रैक्टर ट्रॉली नज़र आएंगे, क्योंकि अभी जो पूरा फोकस है वो अपनी उपज अपनी फसल बेचने पर है। चलिए शुरुआत करते हैं। दादा, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है। और कैसे, ठीक ठाक निकल गए गेहूँ? ठीक ठाक निकल रहा है। कितने रुपए किलो बिके? 73 गई। 73 गई, मतलब 73 2110 रुपये कुंटल। 2107.6 73 7 × 3 73। अच्छा अच्छा, पौने 2200। ठीक गया, ठीक है, बहुत खुश हैं। मतलब खुश हैं? खुश हैं कि नहीं है? खुश है ना। कौन सी, कौन से गेहूँ हैं? लोकमन है। लोकबन। और सरवती बात करें वो कहाँ कितना जा रहा है? सरवती तो यहाँ आती नहीं सर, हमको बोते भी नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम सीहोर जिले से आए, जमोनिया खुर्द। सीहोर का जो गेहूँ तो बहुत फेमस है ना? हाँ है ना, सीहोर का फेमस है, पूरे भारत में फेमस है वो। तो सर कुछ फसल वगैरह खराब हो गई थी? नहीं नहीं, अभी इस बार तो नहीं हुई खराब। नहीं हुई जी, सीहोर में नहीं हुई, हमारे क्षेत्र में। दादा आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, कहाँ से आए आप? दौलतपुर ठेकरिया जी। दौलतपुर ठेकरिया। अच्छा, क्या गेहूँ लेकर? हाँ। बिक गए? हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्टि है। हैं? संतुष्टि है। मन मार के क्यों बोल रहे हैं? अरे तो संतुष्टि का ही, खाद का भी तो रेट देखो कितना बढ़ गया है। खाद का रेट बढ़ गया है? कितना कितना महंगा है खाद? 1500-1600 की एक DAP मिल रही है। अच्छा, 1500-1600 महंगा पड़ रहा है। महंगा पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं किसानों से, क्योंकि हम बात करें बड़ी संख्या में जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक किसान नज़र आएंगे। क्या हाल है दादा? सर बढ़िया। बढ़िया है। कहाँ से आए आप? जमोनिया खुर्द। अच्छा, सीहोर जिले। उपज ठीक ठाक है? हाँ, खेतों बढ़िया है। एक नंबर। चेहरे खिले हुए हैं? हाँ, एक नंबर। उम्मीद क्या है, कितनी चली जाएगी? नहीं, बिक तो गई है। हाँ, 75 गई, 2175। 2175 रुपये जी। संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट। ये यही खत्म हो गए अब? नहीं, ये कोई नहीं, बहुत लंबी लाइन है। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो कैसे आना हुआ भोपाल? भोपाल कैसे आना हुआ? गेहूँ लेके आना हुआ। गेहूँ कितने में बिक गए? 2174। 2174। तो आप क्या यहाँ तुलाई के लिए जा रहे हैं? हाँ। संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। मतलब अब एक मुश्त आ जाएगा पैसा है? हाँ। फिलहाल हम बात करें जो कतार लगी हुई ट्रैक्टर्स की, जो गेहूँ हैं उनकी जो बोली लगी है, बोली के बाद इस कांटे पर गेहूं की तुलाई हो रही है। देखिए, अकेले सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बल्कि जो दूसरे वाहन हैं उनके जरिए भी जो लोग हैं, किसान हैं, वो अपने उपज लेकर। राम राम, क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। कहाँ से आए हो? ग्राम चौंडी से आए हैं सर, जिला सीहोर। जरा बंद करो ना, अपन बातचीत करते हैं। जिला सीहोर जी। तो कौन सा गेहूँ है? लोकमन गेहूँ है सर। लोकमन जी। कितना बिका? अजय आपने कहा 2175 गया सर। 2175 ठीक है रेट? ठीक है सर। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, किसान हमेशा परेशान रहता है। नहीं, लेकिन हम मोदी सरकार में सर बहुत बढ़िया गेहूँ बिक रहा है, अनाज बिक रहा है, बीमा मिल गया। हाँ, मतलब शिवराज और मोदी अपने नागरिक को बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा जी, मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं आप? पूरी तरीके से संतुष्ट है सर। आपका क्या नाम है? महेश मेवाड़ा। मेवाड़ा साहब जी, अब तो क्या बस इधर बिका और खाते में पैसा तुरंत आएगा कि थोड़ी देरी से आएगा? अब सर आप तो पहली बार ही आए, आज देखें क्या हुआ, क्या NFT कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ संतुष्ट हैं आप अभी? हाँ यहाँ संतुष्ट है अभी, मतलब माल अच्छा बिका, मतलब अच्छा बिका। उम्मीद नहीं थी क्या इतनी? नहीं नहीं, लोकबंद है, लोकबंद तो बिकते भी है वो। जी जी हाँ, लोकबंद की तो क्वालिटी ही अगल है, मतलब अच्छा। हाँ, 2200 तक भी बिक रही है, मतलब लगभग जी। ज़्यादा देख पा रहे हैं गेहूँ इसमें वो ज़्यादा है, क्या बोलते हैं, खुशी बोलते हैं है, तो उससे फर्क नहीं पड़े सर, वो तो दाने निकल जाएंगे उसमें तो। अच्छा, जरा मैं कैमरा दिखाना चाहूँगा कि आप गेहूँ देखें।
और ये जो गेहूं है 2175 रुपये में बिका है, ये कुछ ही ज़्यादा है इसमें, अब देख पा रहे हैं तो साफ नहीं है। नहीं उसके अंदर अच्छा गेहूँ तो मशीन से निकल जाता है। यदि ये कुछ ही नहीं होती तो कितना बिकता? जो 2300 तक जाता सर, थोड़ा सा और जो दाना भी थोड़ा बारीक है, थोड़ा सा दाना और इसका मोटा होता और थोड़ा सा कलर होता तो 2300। तो आप ये संतुष्ट हैं? हाँ 2175 में भी हम सर संतुष्ट हैं। 2175 रुपये गेहूँ बिका है, हालांकि हम फिर एक बार गेहूँ दिखाना चाहेंगे। जो गेहूँ है उसमें कुशी जिसे कहा जाता है कुशी है, और किसान का खुद कहना है यदि ये इसमें गेहूँ में ये कुशी नहीं हो तो 2300 रुपये कुंटल ये गेहूँ बिकेगा। चलिए और चलते हैं क्योंकि हम बात करें यहाँ पर किसानों की तो उनकी जो लाइन है या कतार है बहुत लंबी है, बाकी किसान का संतुष्ट हैं, चलिए उनके बीच चलते हैं। भोपाल में अकेले ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बल्कि बड़े ट्रक भी गेहूं से भरकर पहुंच रहे हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि ये लोडिंग ट्रक है लेकिन इसमें गेहूं है। क्या है भैया? चना। चना चना है? अच्छा चना, तो पूरा भरा हुआ आएगा? पूरा भरा। कितने होंगे इसमें? 200 बोरे। 200 बोरा यानी 200 क्विंटल। 200 क्विंटल। 200 चना क्या भाव गया? मालूम नहीं है। नहीं मालूम? मालूम नहीं है, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं कि 200 क्विंटल चना है। खूब आ रही उपज तो? हाँ बहुत आ रही है, अब तो आने लग गई। आने लग गई है। आप क्या करते हैं? जी मैं किसान हूँ। किस कहाँ के हैं आप? शेखपुरा। अच्छा ठीक मिल रहा है भाव? हाँ बढ़िया मिल रहा है अभी। चना तो, चना क्या चल रहा है? चना 4500 तक चल रहा है, 6600 जैसा चना जैसा रेट मिल जा रहा है। अच्छा हाँ ऐसा तो नहीं है ठीक मिल रहे हैं? हाँ अभी तो ठीक है, अभी आगे का क्या पता करें। नहीं नहीं अभी बताइए ना आप तो। अभी तो ठीक है। ठीक है खुश हैं? खुशहाल हैं? हाँ खुशहाल है अभी तो, बढ़िया। बीमा मिल ही गया आपको? बीमा तो मिल गया लेकिन कम मिला है। अच्छा 6000 रुपये में वो मिला है एक टन। और कितना मिलना था? वो तो ज़्यादा मिलना था जिस हिसाब से पहले फसल ख़राब हुई थी उस हिसाब से तो। अच्छा हाँ तो अभी अभी भी झटका है वैसे तो सार का इस साल 2022 का थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है। आप कहाँ से भैया? भैया मैं यहीं से हूँ, भोपाल से ही। जी आप भी किसान हैं? किसान है। अब किसानों का क्या हाल है? किसानों के हाल तो बेहाल हैं। और कैसे बेहाल? कहाँ है यहाँ तो खुशहाल खुशहाल कह रहे हैं सब लोग। खुशहाल कहाँ से, जिनके पास है वो खुशहाल हैं। ऑलरेडी हाँ। इस बार जो फसल का ख़राब हुई है उसका पैसा तो नहीं मिला ना पब्लिक को जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। बीमा भी डला है तो वो कम डला है, कई लोगों का डला ही नहीं है। आप, 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 आपकी फसल ख़राब हुई है? हुई है बिल्कुल। कितनी ख़राब हुई है आपकी? हमारी लगभग 7 एकड़ की फसल ख़राब हुई होगी, चने थे जो। हाँ और कितना मिल गया मुआवजा? अभी बीमा आया नहीं, हमारा तो डला ही नहीं है, अभी आने वाला है। बोल रहे थे बैंक में पता किया था, बोले डलने वाला है। आ जाएगा जी? कितना आएगा कैसे बता सकते हैं कितना आ जाएगा? बाकी किसानों का कितना आया है, संतुष्ट हैं वो? बाकी किसान देखिए गवर्नमेंट से किसी को उम्मीद तो है नहीं, अब जितना आ गया उतने से संतुष्ट हैं लोग, बाकी क्या करें, उसके लिए कहाँ लड़ें किससे लड़ें, समस्याएँ ये हैं। तो अभी आपकी फसल लेकर आए हैं कि ऐसे ही आप आए हैं? नहीं मैं तो मंडी में आया था, किसी के साथ आया। करने क्या चल रहा है? हाँ बस और क्या, यही समझ सकते हैं, किसी के साथ आया था, ट्रॉली आई हुई थी। अच्छा हाँ तो बाकी उनका लगी हुई है मंडी में। क्या आपका ही ट्रैक्टर है क्या और किसी का है? अपने। अच्छा आपका ये कहाँ से हैं आप? गुनगा से। गुनगा जी। क्या लेकर आए हो? गेहूँ। गेहूँ है। थोड़ी खाली खाली लग रही है ट्रॉली, इतने ही हैं। कितनी एकड़ ज़मीन है? 5। 5। वो कितने निकले हैं? अभी आधे निकले हैं, अभी 2 एकड़ के होंगे समझ 40 बोरे। तो ये 2 एकड़ में 40 बोरा यानी 1 एकड़ में 20। ठीक है क्या उपज? सही अच्छे हैं। ठीक है क्या भाव बिका आपका? 2147। थोड़ा आपका कम है बाकी लोगों के, 2175 2180 तक। वो अपने थोड़ा नम है ना। अच्छा और ख़राब तो नहीं हुई थी फसल? नहीं नहीं हुई। खुश हैं? खुश हैं फल। दादा आपका क्या नाम है? मेरा सतीश सोनी। सतीश जी खुश हैं? खुशहाल हैं किसान? खुश, किसान कैसा है मध्य प्रदेश का? खुश है साहब, अब जो भी है बढ़िया है, सरकार बढ़िया कर रही है सबके लिए, अच्छा कर रही है। हाँ मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, संतुष्ट है किसानों के लिए, पैसा भी डाल रहा है, बीमा राशि भी। हाँ अच्छा बीमा राशि के साथ वो भी राशि आ रही होगी ना? हाँ, 6000 और 4000 रुपये इकड़ आ रहा है साहब, आ रहा है। हाँ सरकार अच्छा कर रही है किसानों के लिए, संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं और अच्छा सहयोग कर रही है, पहले कहाँ कर रही थी इतना सरकार, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं सबके लिए। अच्छा कर रहे हैं मतलब मध्य प्रदेश और केंद्र दोनों बढ़िया चल रहे हैं? एक नंबर।
एक नंबर चला है। किसान खुशहाल है? बिल्कुल बोल, खुश खुश हैं। चलिए हम किसानों की बात करें, किसानों को लेकर सियासत खूब होती है, लेकिन हम यहाँ पर सीधी बात कर रहे हैं किसानों से। जो किसान हैं अपनी उपज लेकर राजधानी भोपाल पहुँच रहे हैं, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें तो मंडी में पहुँच रहे हैं। दाम भी जो फसल के लग रहे हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे भी किसान संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और देखिए, अकेले अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदल रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली ही सीमित नहीं रहे खेती किसानी के लिए, ये भी वाहन आ गए। आप किसान हैं? जी, लोडिंग वाले हैं? किसान 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 है। तो ये गाड़ी कहाँ से आ गई आपके पास? ये तुमड़ा, ये गाड़ी अपन ने खुद ली है तुमड़ा से। तो ट्रैक्टर नहीं लेकर, ट्रॉली नहीं लेकर ये गाड़ी? वो क्या अपना खरीद का काम है। अच्छा। हाँ, जमीन भी और खरीद का काम करते हैं गल्ला, इसलिए किसान है। ठीक है फसल इस बार? इस बार ठीक है फसल, खूब अच्छी फसल है, अच्छा रेट भी मिल रहा है मंडी के अंदर, व्यापारी भी अच्छे दाम खरीद रहा है, 160 से तो अच्छा रेट मिल रहा है, 2200 रुपये बिकी है। 2200 बिक गई है? हाँ, और फसल भी अच्छा निकल रहा है, अच्छा फसल है इस बार। अब मतलब किसान संतुष्ट हैं हम? हाँ, संतुष्ट हैं इस बार हम, रेट अच्छा मिल रहा है, संतुष्ट हैं अभी हम। और फसल खराब तो नहीं हुई थी? नहीं, फसल खराब नहीं हुई इस बार हमारी। सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, फसल खराब नहीं हुई, कोई गांव में कोई नुकसान नहीं हमारे यहाँ पर। अच्छा, फसल एक नंबर झमाझम फसल है अभी सबकी, अच्छी फसल। ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है कि किसान एकदम खुश खुश है। ये अच्छा साल आया इस साल। अच्छा साल है? हाँ, इस बार पानी भी नहीं गिरा, मतलब किसानों के अच्छे दिन है। हाँ, अच्छे दिन है, पानी भी नहीं गिरा और फसल भी खराब नहीं हुई। ये हम किसानों से बात कर रहे हैं, सीधी बात कर रहे हैं, किसान अपनी उपज लेकर अपनी फसल लेकर राजधानी भोपाल की मंडी में पहुँचे हैं। और फिर देखिए, आप सबसे अधिक जो उपज है और जो फसल है वो गेहूं है। दादा, क्या नाम है आपका? आप बताइए अपना नाम। राधेश्याम। राधेश्याम। हाँ। कितनी उम्र है आपकी? वो साहब 61 साल से है। 61 साल हो गई। हाँ। तो ये अपना ही ट्रैक्टर है कि लाए हो किराए से? जी, अपने। अपना घर का है? आप ही धनी हो मतलब? हाँ सर, तुम्हारी कृपा है, ले लो बैंक बैंक से करके। हाँ, ले लिया। गेहूँ ठीक बिक गए? सब पहले ट्रायल लगा, अब बढ़िया बिक गया, आज तो बढ़िया बढ़िया बिक गया। हाँ, बढ़िया, संतुष्ट हैं? हाँ सर। मतलब आपने जो लागत लगाई थी? हाँ, वो तो पूरी निकल जाएगी, कुछ मुनाफा भी है सब? देखें, वो तो बाद मानना पड़ेगा हमें। हाँ, कटने, खेत कटने के बाद शुरू हुआ आज। अभी आप भी किसानी करते हैं? क्या नाम है? देवेंद्र मीणा जी। देवेंद्र मीणा। तो देवेंद्र भाई, ये बताओ कितने साल हो गए आप किसानी करते हुए? 2-1 साल। 2-1 साल हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं 2-1 साल में खेती किसानी कैसी है मध्य प्रदेश में? बच्चा मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। आप युवा हैं इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट है? कितनी एकड़ जमीन है आपकी? 9 एकड़। 9 एकड़? 9 एकड़ में कितना निकल जाती है फसल? 180 क्विंटल, 200 क्विंटल। कितना ले जाते हो? हाँ, कुछ लागत लग जाती है, कुछ मिल जाता है। और फसल खराब तो नहीं हुई? नहीं, इस साल तो नहीं हुई। मतलब आपको खेती करते हुए 2 साल हो गए? जी जी। और आप संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट। दादा, आपको कितने साल हो गए खेती करते हुए? पूरी उम्र बीत गई? पूरी उम्र बीत गई साहब। हाँ, और पैदावार अब ठीक ठाक निकल रही है क्या? अब तो बढ़िया निकली साहब, एक झूठ क्यों बोला हम तुमसे। हाँ, अच्छा, बढ़िया निकली आपके तो। बढ़िया निकली है और दाम भी ठीक मिल रहे हैं? हाँ, 2200 भाव बढ़िया मिल रही है साहब, बढ़िया मिल रही है। देखिए, आप किसानों के चेहरों पर खुशी देख रहे हैं, हम जितने भी किसानों से बात कर रहे हैं किसान खुश नज़र आ रहे हैं, और ये हम यही कामना करते हैं कि किसानों की खुशहाली है इसी तरह से बनी रहे, किसानों की उपज भी अच्छी से हो। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो रुकें, हर कोई यही कामना करता है। इसके साथ ही दाम ठीक ठाक मिल रहे हैं? जी बिल्कुल। हैं जी, बिल्कुल, मूछों पे ताव चल रहा है। जी बेहतर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश सिंह राजपूत है। राजपूत हैं, कहाँ से हैं साहब? ये ग्राम पाटनिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल से ही? जी। तो उपज ठीक ठाक है? जी, उपज भी ठीक है, दाम भी ठीक मिल रहे हैं, और सरकार से यही अनुरोध है कि किसान के लिए ऐसा ही करता रहे तो ठीक है, देश का भी विकास होगा, हमारा भी तो विकास। इस बार बताओ ना, इस बार खास क्या हो गया है? आप सरकार की बड़ी तारीफ कर रहे हैं सभी किसान। ये है कि जो कि पिछले साल हमें मतलब जो कि गवर्नमेंट का समर्थन रेट था उससे भी कम दाम में गेहूँ बिक रहा था, लेकिन इस बार क्या जो समर्थन रेट है उससे भी ठीक ठाक भाव मिल रहा है। समर्थन भाव मूल्य कितना? 2015 है, हमारा माल अभी 2250 रुपये बिका है, 2175। समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है? ऊपर चल रहा है जी, बढ़िया, उपज के दाम अच्छे मिल रहे हैं। इतनी उम्मीद थी आपको? नहीं, उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से अच्छा मिल रहा है। उम्मीद से अच्छा अच्छा मिल रहा है। चलिए, राजपूत साहब भी खुश हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम मेवाड़ी जी से बात कर रहे थे यहाँ पर, राजपूत साहब आप भी खुश हैं। और ये क्या ट्रैक्टर आपका ही है कि? सर, अपना ही ट्रैक्टर है। कितने साल हो गए? सर, इसको 8 साल हो चुके हैं। 8 साल हो गए जी। मेंटेन अच्छा कर रखा है आपने?
जी सर। तो क्या मेंटेनेंस में भी पैसा तो लगता होगा? जी मेंटेनेंस में बहुत पैसा लगता है सर। ये ट्रैक्टर ट्राली लगभग आज की डेट में 10 लाख रुपए कीमत है सर इसकी। इसकी? जी सर। अच्छा, 8 साल आपको ट्रैक्टर को हो गए, आपको खेती किसानी करते हुए कितने साल हो गए? सर मुझे खेती किसानी करते हुए 12 साल हो चुके हैं मुझे। इससे पहले मेरे पापा करते थे, अब मैं खेती में मैं उतर चुका हूँ। संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं, लगभग 12 साल मुझे हो चुके हैं। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है सर खेती से। हम किसान को सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और ये जो तमाम किसान हैं अपनी उपज लेकर राजधानी भोपाल पहुँचे हैं, मंडी में पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गेहूं का जो समर्थन मूल्य तय किया गया है उससे अधिक दाम किसानों को मिल रहे हैं, अभी तक ये बात निकल कर सामने आई है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया भैया। कहाँ के हो आप? सोनकच्छ। सोनकच्छ के? ये तो फिर जिला देवास लगता है ना आपका? नहीं नहीं, ये झरगड़ा सोनकच्छ। अच्छा। हाँ। बिक गए गेहूँ? हाँ बिक गए। ठीक है? हाँ बढ़िया है। कितना बिक गए? अरे ये अभी ले आए, चालू है अभी तो। हाँ अभी ये मतलब उपज से तो जो समर्थन मूल्य से तो अच्छा चल रहा है ना? हाँ बढ़िया चल रहा है, उपज से बढ़िया चल रहा है। 2175 बिका है अपना। उम्मीद थी इतनी? नहीं बढ़िया थी ना उम्मीद भाई, जैसा गेहूँ है। हाँ बढ़िया वैसा भाव मिल रहा है। तो ये हार्वेस्टर के हैं कि या? नहीं नहीं थ्रेसर का। हार्वेस्टर तो अभी चालू नहीं, ना के बराबर है हार्वेस्टर। अच्छा। भाई अभी सब थ्रेसिंग का माल। कोई शिकवा शिकायत? नहीं कोई शिकवा शिकायत। सरकार से शिकायत? कोई कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हम पूछ रहे हैं सरकार से क्या शिकायत है। किसान कह रहे हैं कि अभी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जो समर्थन जो मूल्य है उससे किसान बड़े संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। युवा किसान है, यूथ किसान है। क्या नाम है आपका? संजय मीणा। संजय मीणा जी, कहाँ से हैं आप? ग्राम दौलतपुर ठुकरिया। आप भी गेहूं लेकर आए हैं जी? आप खुद करते हैं किसानी की करवाते हैं? नहीं करता हूँ। खुद करते हैं आप जी? बड़े हैट्रिक किसान लग रहे हैं। नहीं वो तो बचपन से ही ऐसे है ना तो। जी कितने साल हो गए किसानी करते हुए? ये कुछ 6-7 साल से लगे हैं करने अभी। हाँ तो पढ़ाई वगैरह तो बंद कर दी। ये जो हम 6 साल की बात करें, कुछ अंतर आया है किसानी में, खेती में, आमदनी में, उपज में? फर्क आया है, एक काफ़ी फर्क लगा है। तो आपने क्या अंतर देखा है इतने सालों में? काफ़ी समय से ये है कि फसल वगैरह अच्छे, किसान भी दिलचस्पी ले रहे हैं खेती करने में। काफ़ी सुविधाएं चली है, ट्रैक्टरों के हिसाब से साधन काफ़ी चले हैं। पहले क्या है किसान लोग हाथ से कटाई करते, काफ़ी सुविधाएं मशीनों की भी चली है अभी तो काफ़ी फर्क है। ये जो राजनीतिक दल होते हैं बड़े किसानों पर खूब सियासत गरमाते हैं, बयानबाजी करते हैं, किसान संतुष्ट है कि नहीं है? संतुष्ट तो नहीं रहिए किसान तो, किसान संतुष्ट नहीं है, पूरी परेशान रहता है किसान, वो किसान तो संतुष्ट नहीं है। अभी तो हम कई किसानों से बात कर रहे थे, खूब समर्थन मूल्य से ऊपर है इस बार। नहीं वो उस हिसाब से, लेकिन वो भी काफ़ी चीज़ों में देख रहा है, डीजल का भाव देखिए, रेट आप डीजल का देखिए, पेट्रोल का देखिए, हर चीज़ में महंगाई है। वो तो इससे अभी दे दिया है फसलों में, अभी थोड़ा अच्छा रेट है, बाकी फिर बाद में देखेंगे वो किस भी हो जाना है। इस बात को लेकर संतुष्ट हैं आप, फसल को रेट को लेकर, दाम को लेकर? जी अभी तो इनको लेकर ठीक है, फसल वगैरह ठीक है, बाकी वो तो आगे फिर परेशानी उठानी पड़ेगी। वो तो डीजल वगैरह, डीजल का रेट देखे तो कहाँ है। अभी किसान जो है खुश है, लेकिन भविष्य में कैसे क्या होगा, क्या स्थितियाँ निर्मित होंगी, उसको लेकर जरूर कुछ आशंकाएं हैं। और किसान खासतौर पर जो यूथ किसान हैं उसके मन में हैं, उसके दिल में हैं। और फिलहाल हम एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे आपको कि आप नज़र दौड़ाइए मंडी में, भोपाल के करौंद मंडी में हम मौजूद हैं। अम्मा जी राम राम। राम राम। कहाँ से आई हो आप? केकड़िया भानपुर से। कहाँ से? केकड़िया भानपुर से। अच्छा तो आप गेहूं बेचने खुद आई हैं? हाँ। क्या कराना पड़े? क्यों आप क्यों? अपने सामने बिकवाएंगी हैं? हाँ। क्या गेहूं ठीक निकले इस बार? ठीक निकला। ठीक निकला। और कितने रुपये किलो बिक गए? 2175। ठीक मिल गया भाव? हाँ ठीक मिल गया। आप कितना सोच के आई थी कितना मिल जाएगा? क्या थोड़ा कम सोच के आई थी कितना ही? हम तो इतना ही थे। अच्छा खुश हैं आप? खुश हैं। ऐसा तो नहीं भाव कम मिले हो? खुश हैं। खुश हैं? हाँ। खुश हैं। आप खुद करती हैं खेती? हाँ खुद करते हैं। कितने साल हो गए आपको? हमते अभी पहली बार लाया बेचने थे। अच्छा बेचने पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए। पहले क्यों नहीं आती थी? पहले पानी नहीं आता था, गेहूँ नहीं पकता थे, अभी कुआं मुआ खुदवाया थे, थोड़ा बहुत पक गया अभी। अच्छा अब कुआं भी हो गया अपने घर का, और फिर तो फसल भी अच्छी निकली होगी। हाँ
फसल जे इतना ही गेहूँ निकला, थोड़ा बहुत खाने के रखा, 10 क्विंटल खाने के लिए रखा। वो आपने खुद का कुआ हो गया है ना, खुद बेचने आ रहा है, आपकी खुशी अलग दिख रही चेहरे पर। खुशी तो दिख रहा है, अभी जाके लाए गेहूँ बेचने। देखिए पूरे जिंदगी भर जो है किसानी की है, खेती की है, मेहनत की है, और अब जाके उसका रंग देखने को मिल रहा है, घर का कुआ है, और पहली बार जीवन काल में पहली बार अपनी उपज लेकर मंडी तक पहुंची हैं। ये बताता है किस तरह से संघर्ष किया है, और जब आज मंडी आई हैं तो चेहरे पर खुशी है। जो किसानों की पीड़ा हमेशा निकल कर सामने आती है, लेकिन आज उनको एक नई जो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है, अपनी फसल लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया। कहाँ से हैं आप? कहाँ हैं यार। अच्छा, और ठीक ठाक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। अच्छा है जी? बिल्कुल अच्छा है, गेहूं का रेट भी अच्छा मिल रहा है। हाँ मतलब जो 2015 रुपए तो सोसाइटी का रेट है, पर यहाँ 2200-2300-2250 रुपए का समथिंग गेहूं बिक रहा है। तो इतना रेट क्यों बिक रहा है ज्यादा? तो किसान को फायदा है ना उसमें, माल अच्छा निकल रहा है ना, आवक भी अच्छी है, माल भी अच्छा है। बोल तो व्यापारी क्यों जा रहे हैं? व्यापारी तो ये तो अपने को पता नहीं है, पर अपना तो अच्छा बिक रहा है, अपने को तो खुशी है। खुशी है अपने को तो खुशी है। इतनी उम्मीद लगा के आए थे? कभी उम्मीद सोची थी नहीं ऐसी, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कि इतना माल बिकेगा, पर ये है कि इतना अच्छा रेट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है जी बिल्कुल। ये हम नहीं कह रहे, ये किसान कह रहे हैं, और जो उपज लेकर किसान पहुँचे हैं। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किसानों से समझते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सुजन सिंह मीणा। मीना साहब राम राम। गेहूं लेकर आए आप? हाँ, ये मुस्कुराहट कैसी है चेहरे पर? अच्छी है मुस्कुराहट, अच्छा दाम मिल रहा है गेहूं का। अच्छा दाम मिल रहा है? कितने बिक गए बताइए, पर्ची है? इक्कीस सौ गया। हाँ। और समर्थन मूल्य तो कम है इसका? हाँ समर्थन मूल्य कम है, बाजार रेट अच्छा। तो आप सच बताना कि मानसिकता क्या बना के आए थे, कितने रुपये किलो में, कितने रुपये क्विंटल बिक जाएंगे? ये याद आ गया, अगर दो भी बिक जाए तो बढ़िया है। हाँ मतलब आप उम्मीद लेके आए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये क्विंटल बिक जाएंगे? हाँ बस उम्मीद लेकर आया। और 2100 बिक गए? 2100 बिक गया, उसी की खुशी है। पहले नहीं मिलता था क्या ये इस तरह का दाम? मार्केट में नहीं मिलता था इसका। नहीं मिलता था? हाँ अब अच्छा मिलता है मार्केट में। दादा आप भी पहले देख पा रहे हैं कि अब ज़्यादा मिलने लगा है? कहाँ से आप, कौन से गांव से? सोनकच। सोनकच से? हाँ सीहोर जिला। तो किसानों की बात करें, खुशहाल हैं, उम्मीद लगा के आए थे दादा। हाँ। कि 2000 रुपये क्विंटल बिक जाएगा। हाँ। 2100 बिक गया है, और जो 100 रुपये महंगा बिका है उनके हिसाब से उसकी खुशी चेहरे पर झलक रही है। और ये दादा गेहूं कौन सा है? ये मालवा सकती है, ठंडा है थोड़ा। अच्छा सूखो माल 2200 तक जा रहा है, ये थोड़ा सा गीला है। हाँ और सूखा होता तो 2200 तक। दाम अच्छे मिल रहे हैं? अच्छा मिल रहा है दाम। कोई नाराजगी है सरकार से? आप नहीं है? नहीं अरे सरकार तो बिल्कुल नाराज नहीं, खुश है। तुलाई बची है, धर्म का डब तुलवा, खाली करो जाओ। अब वो समय गया जब बोरों से तुलाई होती थी, तो बहुत नाच मार दिया था। अब धर्म कांड तो करता है, अब तो खुश है। खुश है? हाँ। तो आप कितनी देर में फ्री हो जाएंगे आज? आज हमें 3 रोज होगा आते हुए। अच्छा। हाँ। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहा है। पैसे आ गए खाते में? नहीं आए? हाँ, पैसा नगद दे रहा है, खाता में भी तुरंत पहुँच जा, हम तो खाता में डलवा। सच बताना दादा? नहीं बिल्कुल, पैसा तुरंत पहुँचे। अच्छा। हाँ वो जो दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, 15 दिन तक पैसे नहीं आ रहे? आप नहीं है वो दिक्कत, अब तो नगद ले जाने की तुम तो खाता में पहुंचा दो।